शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे जी का कल का बयान बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस देश के जो हालात बने हुए हैं, जात और धर्म के आधार पर जिस तरह से देश को तोड़ने की साजिश सिर्फ चुनाव जीतने के लिए हो रही है, राजनीतिक फायदे के लिए हो रही है, उद्धव ठाकरे जी ने कहा हमारा हिंदुत्व इस प्रकार का हिंदुत्व हमारा नहीं है, ना बाला साहब ठाकरे जी का था। उद्धव जी ने कहा कि इस देश को मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो, सभी कम्युनिटी को घबराया डराया जा रहा है और हिंदू और कम्युनिटी में स्प्लिट दरार पैदा की जा रही है, इससे देश को खतरा है, देश टूट जाएगा। मुसलमान इसलिए हमारे साथ है आज पूरा देश का, खास करके महाराष्ट्र की बात हम कर रहे हैं कि बहुत से मुसलमान नेता, मुसलमान कार्यकर्ता, गरीब मुसलमान, सामान्य मुसलमान हमारे पास आता है और कहता है कि हम आपके साथ हैं, हम इसलिए आपके साथ हैं कि आपका जो हिंदुत्व है वो हमारे घर में चूल्हा जलाने वाला हिंदुत्व है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का हिंदुत्व है वो हमारे घर जलाने वाला हिंदुत्व है, इसलिए हम आपके साथ हैं। और ये बहुत बड़ी बात है। अब देश में घर घर में जात धर्म के आधार पर नहीं तो मानवता के आधार पर, गरीबी के आधार पर घर घर में रोजगार मिलना चाहिए, चूल्हा जलना चाहिए, हर हाथ को काम मिलना चाहिए, यह हमारा हिंदुत्व है। राम के साथ काम भी होना चाहिए लोगों का, यह हमारा हिंदुत्व है। हमारा हिंदुत्व हम यहाँ इस देश में हिंदुओं का पाकिस्तान या ईरान नहीं होने देंगे। ये देश बहुत बड़ा देश है। शरद पवार जी का बयान आया इलेक्शन कमीशन को लेके, कहा कि सिंबल भी छीन लिया गया, पार्टी भी छीन ली गई और दूसरों को दे दी गई, इस तरह से। ये तो सही है ना, जो शिवसेना का बारे में जो निर्णय हुआ है वही राष्ट्रवादी कांग्रेस के बारे में या एनसीपी के बारे में हुआ है। एक असेंबली से या जिसे हम पार्लियामेंट्री पार्टी है उससे 10-20 लोग टूट जाते हैं और वो पार्टी के मालिक बन जाते हैं। जैसे कि यहाँ से कोई 10-12 लोग जाएंगे हाथ में हथियार लेके दूसरे देश में और वहाँ अंदर घुसकर कहेंगे ये देश हमारा है, ऐसा होता है क्या? ऐसा होता नहीं। लेकिन इलेक्शन कमीशन, न्यायालय, गृह मंत्रालय सभी एक दिशा में काम कर रहे कि और कोई पार्टी भारतीय जनता पार्टी के सिवाय इस देश में नहीं रहनी चाहिए, जो रहेंगे वो हमारे गुलाम बनकर रहेंगे। सर एकनाथ शिंदे अपना विधान करता है कि दाढ़ी ने गाड़ी फिरोगी तो तुम लंका जाएगा, नहीं लंका त्यांचीच आहे, आम्ही हनुमान आहोत सगळे, लंका ही रावणाची जळते, त्यांना माहित नाही। हा रामाला दाढी नव्हती, दाढी रावणाला होती, त्यांना रामायण वाचावं लागेल, त्यांना महाभारत वाचावं लागेल। काय कि या महाराष्ट्राला सुसंस्कृत मुख्यमंत्री कायम मिळालेले आहे, यशवंतराव चव्हाणांपासून परंपरा जर आपण पाहिली उद्धव ठाकरेपर्यंत सगळे संस्कारी आणि सुसंस्कृत मुख्यमंत्री होते, ते साहित्य कला काव्य याच्यामध्ये रमायचे, लेखक त्यांच्याबरोबर असायचे, त्याच्यामुळे कोणाचं काय जळतंय बरं का हे लवकरच कळेल ना। मुळात दिल्लीचीच लंका जळते। लोकसभा निवडणुकीमध्ये तुम्ही ज्या लंकेत गेलेला आहात ना ती लंकाच आम्ही जळतो आहोत, तर तुमचं काय होणार? दाढी बिडीच्या गोष्टी आम्हाला सांगू नका। बाळासाहेब चोरायला वस्तू आहे का? बाळासाहेब चोरायला वस्तू आहे का? विचार विचार असा चोरून मिळत नाही। चोरटे भामटे यांचं राज्य राज्यावर सुरू आहे आणि ते लवकरच आम्ही नष्ट करू, हे असे डायलॉग बाजे आम्हाला सांगू नका। आम्ही बाळासाहेब ठाकरेंच्या तालमीत तयार झालो, आम्हाला अधिक चांगले डायलॉग फेकता येतात। फिराव ना दाढ़ी पे हाथ, तुम्हारी दाढ़ी जो है वो दिल्ली के हाथ में है, आपकी जो दाढ़ी है ना, हाँ
ये दिल्ली के हाथ में है, वो दिल्ली वाले आपकी दाढ़ी जब चाहे खींच लेते हैं और दिल्ली में बुला लेते हैं आप। और लंका की बात मत करिए, आपकी लंका है, आप रावण है सब लोग, आप रामायण पढ़ लीजिए, रावण की लंका जली थी और महाराष्ट्र में राम का वास्तव्य था। हाँ, पंचवटी में महाराष्ट्र में, आप थोड़ा रामायण पढ़ लीजिए और बाद में बात कर लीजिए। सर, भाजप ने छत्रपति शिवाजी महाराज यांचा अपमान करणाऱ्या राज्यसभा दिली मग त्याच्यावरती तुमचे सध्याचे जे मुख्यमंत्री आहेत दाढीवाले, हा दाढीवाले काडीवाले, त्यांना विचारा याच्यावर तुमचं काय मत आहे की छत्रपती शिवाजी महाराजांचा अपमान करणाऱ्या व्यक्तीला राज्यसभा परत दिली, याच्यावर तुमचं काय मत आहे का? आता कोणाची लंका तुम्ही जाळणार आहात की तुमच्या शेपटीला आग लावून घेताय? हा, लंकेला नाही, तुमच्या दाढीलाच आम्ही आग लावणार आहोत, तुमची दाढीच आम्ही पेटवणार आहोत, हे लक्षात घ्या। त्यांना सांगा जाऊन, तो ऐकत असेलच ते आता। आज मी मुद्दाम त्यांचा गुंडांबरोबरचा फोटो टाकला नाही, थोडी त्यांना गॅप दिलेली आहे, विश्रांती, जरा घाबरले आहेत ते, अस्वस्थ आहे, झोप येत नाही त्यांना, कारण लवकरच असे काही फोटो माझ्याकडून येणार आहेत, बरं का, की अमित शहांना सुद्धा विचार करावा लागेल की काय माणूस नेमलाय मी। चला, ठीक आहे, चला। वो नॉट रीचेबल आ रहे हैं, उनका फोन स्विच ऑफ आ रहा है और उन्हें ढूंढने के लिए पुलिस प्रशासन को नीतीश सरकार की तरफ से लगाया गया। देखिए नीतीश, ये पुलिस प्रशासन नहीं, ये अमित शाह की पुलिस हो गए दिल्ली, ये दिल्ली का खेला है ना, तो दिल्ली वाले ढूंढेंगे उनको। लेकिन मेरे हिसाब से, मेरी जानकारी है, वो जो खेला हो रहा है बिहार में, वो दिल्ली के लिए और नीतीश बाबू के लिए, पलटूराम के लिए इतना आसान नहीं हो रहा है। कुछ भी हो सकता है, शाम तक अच्छी खबर आ जाएगी। आता पोलिसांची काम आहेत, पोलिसांना करू द्या, खरोखर पोलिसांना कधी कधी अशी कामं करायला संधी मिळाली पाहिजे ना। प्रत्येक वेळेला या दाढीवाल्यांच्या गाडीवाल्यांच्या गुंडांच्या मागे राहून धरून ते कंटाळले आहेत, कधी कधी त्यांना तांत्रिक कामं करू द्या। अच्छी बात है, हमने उठाया ना, हमने उठाया आवाज, अब आ रहे हैं तो उनका स्वागत है। चलिए, देश विदेशातील प्रत्येक घडामोडींचे लाइव अपडेट मिळवण्यासाठी आता साम टीव्हीच्या सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मला लाईक, फॉलो आणि सबस्क्राइब करा, तसंच सर्व नोटिफिकेशनसाठी बेल आयकॉन प्रेस करायला विसरू नका।